बच्चों, हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ रहे थे। हमने चार पोर्शन में आपको पार्ट में उसको समझा चुके हैं। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो हम टिप्पणी इसमें लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है जितसेबे मेसिनी, और उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, मिलर, जितने भी ये दिए हुए हैं उनके बारे में हम टिप्पणी लिखेंगे। उनके बारे में हमने आप लोगों को समझा चुके हैं, इनके बारे में आप लोगों को लिखना है। जैसे कि इटली का एक क्रांतिकारी था, और इसका जन्म जो है 1887 में जो रेनो ये हुआ था। उसी तरह से काउंट कैमिली कपूर है, इनका भी, ये भी एक इटली के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने वहां पर साम्राज्यवाद के लिए एक नेतृत्व किया था, और वहां पर ये एक क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर देखेंगे यूनानी स्वतंत्र युद्ध। यूनानी स्वतंत्र युद्ध जब हुआ था, तो यूरोप में एक शिक्षित अभिजात वर्ग जो था वह शुरू हुआ था। तो उसमें अभिजात वर्ग के अंतर्गत जो एक अभिन्न जो साम्राज्य का जो लिखा हुआ था या जो अस्तित्व में था, वह क्रांतिकारी जो थे उसमें प्रगति में थे, और वे यूनानियों की आबादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसी तरह से देखेंगे फ्रैंकफर्ट संसद। ये जर्मनी के इलाके में जो बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन जो रहते थे, वह शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन जो नेशनल असेंबली की उन्होंने स्थापना की थी, उसमें मतदान देकर फैसला किया कि हमको क्या करना है। निर्वाचित जो प्रतिनिधि था वह किस तरह से एक कन्फर्म जो थे वे संसद में थे और अपने सदन को उन्हें ग्रहण किया था। उसी तरह से फिर राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका, जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुआ था उसमें महिलाओं की सक्रिय भूमिका थी, जिससे जो सक्रिय रूप से भाग लिया, और बाद में इसमें राजनीतिक संगठन स्थापित हुए, अखंड रूप से उन्हें शुरू किया गया, और राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शनों में भी भाग लिया। फिर देखेंगे ये फ्रांसीसी लोगों ने जो बीच में जो सामूहिक पहचान भाव का जो केंद्र बनने लगा था वह कैसा था, मतलब उन्हें सामूहिक भाव जो केंद्र स्थापित हुए थे वह किस तरह से हुए थे। तो फिर यहाँ पर पितृभूमि, फिर नागरिक, उनके विचारों में संयुक्त समुदाय का विचार भी आया, जिसमें कि हमने आप लोगों को बताया थे संयुक्त विचार, मतलब उनमें ये आया था कि हम किस तरह से अपनी पहचान अलग बना सकते हैं। तो इसमें नई प्रस्तुतियाँ दी गई थी, शहीदों के गुणगान हुआ, उसमें कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखे गए, इस तरह से उनके बने। फिर आगे देखेंगे मारियोन के जीवन फोन ने जिस तरह से किया था, उन्हें चित्रित किया, किस तरह से उनका महत्व बताइए। जो मारियोन था वह किस तरह से लोकप्रिय था, ये एक ईसाई नाम है जो कि फ्रांस में अपने स्वतंत्रता के नारी के रूप में इसी प्रतीक चिन्ह माना गया। फिर जर्मेनिया, यह जर्मन राष्ट्र की नारी के रूपक थी, और यह जो है बटुक अधिकारियों के जो थे बहुत सारे, उन्होंने मृतुत वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहनती थी, और क्योंकि ये जर्मनी में बतूत वीरता का एक प्रतीक है, जर्मनी में ये क्या है, एक वीरता का प्रतीक है। इस तरह से जर्मेनिया जो थी वह हाथ में जो थी एक तलवार पकड़ी हुई है, और उस पर यह लिखा हुआ है। फिर जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो किस तरह से हुआ, जर्मनी एकीकरण की नींव के दोहन जो संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता और उसे संगठन बनने के लिए आजादी थी, ऐसे संसदीय की व्यवस्था करने के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। फिर जर्मन के लोगों ने 1848 में भी राष्ट्रीय भावना जागृत की गई, और फिर उदारवादी विचारधाराओं को राष्ट्र में लोगों ने समझाया गया, फिर कई फौजियों को भी उसमें कड़ा मुकाबला भी दिया गया, इसी तरह से यह हमें शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में जनक जो थी प्रसाद जो थे प्रधानमंत्री ऑटो ने वंग काट किया था। इस प्रक्रिया में प्रथम राष्ट्रीय के जो डेनमार्क से फ्रांस से भी युद्ध किया, और इस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की। वारसाई का भी महत्व है, यहाँ पर शीर्ष महल जो है वह टॉल ऑफ मिर्सी से जर्मन के राजकुमारों के प्रतिनिधि के रूप में उसको किया था। इस प्रकार से जर्मन एक राष्ट्र का एकीकरण हुआ, और यह प्रमुख शक्ति का केंद्र भी बना। फिर देखेंगे शासन वाले जो थे, जितने भी शासन थे उसमें शासन व्यवस्था के लिए ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो देखेंगे प्राचीन जो सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था थी उसको उन्होंने नष्ट किया।
हम यहाँ देख रहे थे किस तरह से समान प्रणाली लागू की गई थी, उनकी प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना की गई थी और विद्वानों कलाकारों के देशभक्तों की सम्मानित प्रक्रिया की गई थी। इससे से जर्मनी नेपोलियन प्रशासनिक विभाजनों में सरल बनाया, फिर सामंती व्यवस्था को खत्म किया, फिर कारीगरों को श्रेणी में नियंत्रण, जो संघों का नियंत्रण था उसको उन्होंने समाप्त किया, फिर आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, फिर जो जूरी थी वहां पर तो उसे जूरी प्रथा मुद्रित पत्रों के पुनः प्रारंभ किया, उसके बाद फ्रांस की स्थापना को भी लैटिन फ्रेंच भाषा में उसने शुरू किया, फिर कैथोलिक धर्म को भी एक राजधर्म के रूप में स्टार्ट किया जिसमें कि किसानों कारीगरों मजदूरों नए उद्योगपतियों की नई नई उनको मिली आजादी थी उसको उन्होंने चखा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन है, उसमें राजपथ का भी अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई थी, राजतंत्र जो था उसको अंत हो गया था और गणतंत्र की स्थापना हुई थी, उसे सार्वजनिक मताधिकार भी लोगों को दिया गया था, कि जर्मनी इटली पोलैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी ये सारे साम्राज्यों को उदारवादी मध्यम वर्गों को पुरुषों के उसमें को मांग को राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में उनके मांग को साथ में जोड़ा। फिर इसी तरह से देखिए उदारवादियों ने ऐसा राष्ट्र राज्यों के निर्माण की मांग पर जोर दिया जिसमें कि संविधान प्रेस की स्वतंत्रता की ओर जो उस समय संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता की ओर संगठन बनाने में संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। फिर देखेंगे सामाजिक परिवर्तन, समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, यहाँ पर महिलाओं को भी पुरुषों के समान दर्जा दिया गया, उन सभी क्षेत्रों में भागीदारी महत्व दिया गया, फिर कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों में राजनीतिक आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए, इसमें भू दासत्व की समाप्त हुई, बंधुआ मजदूरी कम हुए, बाजारों से मुक्ति मिली, चीजों को स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान कर सकते थे और व्यापार को बढ़ावा मिला। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए तीन उदाहरण मिले, इसमें स्वेडरिक सदियों की का उदाहरण मिलता है, फिर इसी में विश्वव्यापी जनतांत्रिक सामाजिक राज्यों के रूप में मिलता है। फिर दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर फ्रेंच पिट का जो स्वतंत्र के वृक्ष का रोपण किया था उस समय जर्मन में एक चित्रकार था। फिर पूजनीय देश को एक उत्पाद दर्शने का जो एड के प्रांत है उसमें रोमानीवादी जो चित्रकार थे उन्होंने भी इस तरह से चित्र के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया है। फिर किन्हीं दो देशों को ध्यान केंद्रित करते हुए यह बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए, तो यहाँ पर हम देखेंगे बेल्जियम, बेल्जियम की विपना कॉन्फ्रेंस बेल्जियम के हॉलैंड के साथ मिला दिया गया था, परंतु दोनों ईसाई धर्म के कट्टर थे और इसके विरोधी मतदान भी यहाँ पर रहते थे। इस तरह से बेल्जियम में लियो भी श्रेष्ठ मानता था और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की राजाज्ञा जारी कर दी गई थी और जिससे कि वहाँ पर बेल्जियम में ही 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा और वह इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। फिर है पोलैंड, पोलैंड में विपना संधि हुई थी, पोलैंड दो भागों में बांटा गया था, परंतु जब वह लोगों को राष्ट्रीय भावना विकसित हुआ तो उसके बाद रूसी सेना ने भी कठोरता से उनको दबा दिया और उसके बाद यहाँ पर हर मानवीय द्वारा विद्रोह करने की सफलता मिली थी। फिर ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास के साथ जो है यूरोप में किस प्रकार से मिलता, अब 18वीं शताब्दी में पूरी ब्रिटानी एक राष्ट्र नहीं था जबकि ब्रिटानी द्वीप समूह में था, मतलब वह एक राष्ट्र नहीं था वह द्वीप समूह था, इसमें जो है राष्ट्र ने अपनी धन दौलत अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह राष्ट्रों को अपना प्रभाव दिया और स्थापित करना प्रारंभ किया था, मतलब यहाँ पर उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। फिर एक राष्ट्र निर्माण किया गया, फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लिए बीच एक्ट यूनियन आर्मा बनाया गया जिससे कि वे दोनों यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया था। स्कॉटलैंड में भी उसी तरह से इन्होंने अपना पहचान बनाया, आयरलैंड में भी ऐसा ही किया गया, फिर 1798 में भी यूनाइटेड अप्रिलन सीवन में किया, ब्रिटानी ने भी राष्ट्र निर्माण करके इसको राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में यूनियन ब्रिटेन का झंडा उन्होंने स्थापित किया। फिर देखेंगे वल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी में तनाव, यहाँ पर भौगोलिक जाति भिन्नता थी इस कारण तनाव था, फिर बुल्गारिया रोमानिया और था, फिर तुर्कों और ईसाई प्रजातियों के बीच में मतभेद के कारण भी था, फिर यहाँ पर जब राष्ट्रीय समूह में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो उसमें तनाव की स्थिति और भी भयंकर
हो गई थी क्योंकि लोग समझने लगे थे और वह उसका विरोध करने